नमस्कार दोस्तों, द एंड्रॉइड गाइड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो S1 प्रो फोन के बारे में। सो जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको 8 GB रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसमें आपको प्राइस जो रखा गया है वो है 19,999 रुपीज़। जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छा रखा गया है वीवो की तरफ से। और गाइज, अब मैं आपको इस फ़ोन के कुछ की फीचर्स जो है वो आपको बता देता हूँ। सो डिज़ाइन वाइज आपको आगे में वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, जिसमें एक कैमरा लगाया गया है, और पीछे में आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है और एक फ्लैश देखने को मिलता है। और वीवो का डिज़ाइन जो है वो इस पर बहुत ही बेहतरीन लाया गया है, जिसमें आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। आपको इसमें वाइट, ब्लू और एक ब्लैक मिलता है, तो 3 कलर आपको देखने को मिलता है। सो मैं आपको बताता हूँ इसका जो की फीचर है वो क्या है। सो इसमें आपको 6.38 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और पीछे में आपको 48 MP का कैमरा देखने को मिलता है। उसके साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, 2 MP का डेप्थ और 2 MP का आपको जो माइक्रो शॉट्स है उनके लिए लगाया गया है। सो 4 कैमरा पीछे हो गया, और फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें आपको 4500 mAh का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रोसेसर जो लगाया गया है इस फ़ोन में वो है स्नैपड्रैगन का 665। सो स्नैपड्रैगन के 665 प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है, जिसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही यूनिक रखा गया है इस बार। इसमें आपको पॉपअप सेल्फी नहीं मिलता है, और आपको टाइप सी चार्जर जो है वो आपको मिलेगा, तो टाइप सी आप लगा पाएंगे। आपको माइक्रो USB नहीं मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है इस फ़ोन के लिए। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है, तो इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। सो अब बात करें इसको कि आप इसको EMI पे कैसे ले सकते हैं। तो EMI पे लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बैंक ऑफर्स, और EMI भी इसमें अवेलेबल है। सो बैंक ऑफर में आपको 5% डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप इस फ़ोन को खरीदेंगे फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से। तो 5% आपको डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो एक्स्ट्रा 5% आप इससे में ऐड कर दीजिए, और वो वही आपका जो होगा फाइनल प्राइस होगा। और एक और जो है वो एक्स्ट्रा 5% ऑफ आपको देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो अगर आपके पास है, फ्लिपकार्ट वाला नहीं, सिर्फ एक्सिस बैंक का भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप इस फ़ोन को ले पाएंगे 5% डिस्काउंट पे। और यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर है 1000 रुपीज़ डिस्काउंट। सो ये 1000 रुपीज़ जो डिस्काउंट है वो इस वजह से है क्योंकि इसका जो प्राइस जो बताया जा रहा है फैक्ट्री फिटेड जो प्राइस था वो था 20,990 रुपीज़, जिसका प्राइस जो है वो 19,990 रुपीज़। ये ही स्पेशल जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 1000 रुपीज़ दिखा रहा है 4% ऑफ, वही बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नो कॉस्ट EMI के बारे में बात करते हैं, तो नो कॉस्ट EMI आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे नो कॉस्ट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कॉस्ट और स्टैंडर्ड दोनों अवेलेबल हैं। सो स्टैंडर्ड EMI में आपको एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको देना पड़ता है 12%, आप देख सकते हैं किसी में 15% है। तो ये मुझे नहीं चूज़ करना है क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि नो कॉस्ट से ही ले, क्योंकि नो कॉस्ट EMI पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। जो भी प्राइस फ़ोन का है उतना ही पैसा जो है वो बैंक की तरफ से लिया जाता है। सो इसमें बजाज का कार्ड भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सो बजाज के कार्ड अवेलेबल होने के कारण आपको 3 मंथ का आपको मिलता है, 3 मंथ का प्लान मिलता है, 6 मंथ का प्लान मिलता है और 9 मंथ का प्लान मिलता है। 3 प्लान आपको इसमें मिलते हैं। सो आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 9 मंथ वाला प्लान चूज़ करते हैं तो 2222 रुपीज़ देना होगा 9 मंथ के लिए, और आप 6 मंथ का प्लान करते हैं तो 3332 रुपीज़ आपको देना होगा 6 मंथ के लिए, और 3 मंथ का प्लान करते हैं तो 6664 रुपीज़ देना होगा 3 मंथ के लिए। तो ऐसे करके आपको तीन प्लान मिलता है, जिसमें आपको 3 मंथ का और 6 मंथ का और 9 मंथ का प्लान जो है वो अवेलेबल है बजाज कार्ड में। और HDFC का अगर आपके पास कार्ड है, और HDFC का या जो भी कार्ड्स जो अवेलेबल है अदर बैंक के, उसमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही अवेलेबल है। सो आप डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड ये सब से आप ये फ़ोन को नहीं खरीद पाएंगे EMI पे। आपके पास इन सभी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, और बजाज का अगर आप लेते हैं तो बजाज का जो कार्ड होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। सो बाकी जो बैंक्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया जो बहुत पॉपुलर बैंक है, तो इसमें भी आपको 3 मंथ का, 6 मंथ का और 9 मंथ का प्लान मिलता है, और उतना ही पेमेंट भी करना होगा। बट अगर आप 12 महीने वाले में जाते हैं तो 25% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। सो ये आगे चल के ये डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सो ये जो 25% यहाँ पे दिखा रहा है वो आपको माइनस कर दिया जाएगा, और वो भी नो कॉस्ट EMI पे
चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 12 मंथ का भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो 1250 रुपये आपको 12 महीने के लिए देना होगा, और उसके बाद जाकर आपको ये फ़ोन जो है वो मिल जाएगा। तो इन सारे लिस्ट में आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है। मैक्सिमम जो मंथ प्लान है वो आपको 12 मंथ का मिलता है, तो 12 मंथ का भी आप ले सकते हैं प्लान, जिसमें बहुत सारे बैंक जो है वो 9 मंथ का ही लिमिट रखे हैं, बट कोई कोई बैंक जो है वो 12 मंथ तक का आपको लिमिट जो है वो देता है। सो अगर आपको ये फ़ोन EMI पे लेना है तो आप इस फ़ोन को EMI पे भी ले सकते हैं। और गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।